आज हम अप्लाइड फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। हमने लास्ट लेक्चर में किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को डिस्कस किया था, यहाँ तक फर्दर इसको अब हम कंटिन्यू करेंगे। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड जंक्शन रूल एंड इज आल्सो कॉल्ड केसीएल रूल। तो इसमें क्या है केसीएल रूल, तो इसमें क्या है, हम केसीएल का मतलब क्या है, इसमें हम करंट की बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि जितना भी इसमें हमने डिस्कस किया, इन एनी नेटवर्क ऑफ कंडक्टर्स, अगर हम किसी भी कंडक्टर की बात करें तो उसमें क्या है, करंट क्या फ्लो होगा बट एक ही डायरेक्शन में, एक ही पॉइंट पर आकर रुक जाएगा, एक ही पॉइंट पर सभी मीट कर जाएंगे पॉइंट्स, तो उसको हम बोलेंगे उनकी जो समीशन होगा उसका अलजेब्रिक सम होगा वो जीरो के इक्वल होगा, दैट इज समीशन आई शुड बी इक्वल टू जीरो। तो इसमें हमने बोला कि जो इनवर्ड डायरेक्शन है वो तो हम पॉजिटिव लेंगे और जो करंट फ्लो आउटवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो इसमें क्या है, आई वन और आई टू करंट क्या है, अंदर जा रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में, तो इन दोनों को हमने पॉजिटिव में लिखा। और आई थ्री आई फोर आई फाइव की डायरेक्शन क्या है, ये लूप से बाहर निकल रही है, इनकी डायरेक्शन क्या है बाहर है, तो इसलिए हमने आई थ्री आई फोर आई फाइव को नेगेटिव टर्म में लिखा। So the value of I1 plus I2 should be equal to I3 plus I4 plus I5. तो इसमें हम लिखेंगे the current approaching the junction are taken as positive. The current approaching the junction is taken as positive. सर्किट, तो इसकी डेफिनेशन हम डिफाइन करें।
कोई भी लूप लेंगे बट वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए. इन एनी क्लोज लूप इन अ सर्किट, इन एनी क्लोज लूप इन अ सर्किट, इन अ सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एल्जेब्रिक किसी भी इसमें हम लेंगे कि लूप क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए. तो एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ, एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ, प्रोडक्ट्स ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लूप इज ऑलवेज इक्वल टू करंट एंड रेजिस्टेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लूप इज इक्वल टू ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लूप, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लूप इज ऑलवेज इक्वल टू
इन अ, इसमें क्या है, हमने लूप डिस्कस किया, इन ए क्लोज लूप दैट इज ए बी सी एफ ए, तो इसमें हम क्या देखेंगे, जिस डायरेक्शन में लूप चल रही है उसी डायरेक्शन में करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन क्या आएगी, नेगेटिव। तो इसमें हम लिखेंगे माइनस आई वन आर वन, माइनस आई वन आर वन, देन फिर क्या है, ये ए बी सी, फिर ये नीचे आएगी आई वन आर वन, देन माइनस ये क्या, इसके साथ आई वन आई टू इंटू आर थ्री, माइनस आई वन आर टू इंटू आर थ्री, माइनस आई वन प्लस आई टू इंटू आर थ्री। फिर नेक्स्ट इसमें क्या हो गया, फिर इसमें नेक्स्ट ये होगा प्लस, नेगेटिव टर्मिनल के साथ है तो क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट फ्लो कर रहा है उसके साथ, नेगेटिव टर्मिनल अगर कनेक्ट है तो क्या इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू प्लस ई वन इज इक्वल टू जीरो, सो आर वैल्यू शुड बिकम माइनस आई वन आर वन माइनस आई वन प्लस आई टू इंटू आर थ्री, दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ ई वन। सो इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, आई वन आर वन प्लस आई वन प्लस आई टू इंटू आर थ्री, दैट शुड बी इक्वल टू ई वन, सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ ई वन शुड बी इक्वल टू आई वन आर वन प्लस आई वन प्लस आई टू इंटू आर थ्री, दैट शुड बी इक्वल टू ई वन। तो ये हमारा आया क्लोज लूप कब, ए बी सी एफ ए के लिए। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फोर क्लोज लूप सी डी ई एफ सी, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फोर ए क्लोज लूप सी डी ई एफ सी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें डायरेक्शन क्या है, इसमें भी अगर हम ये लूप लें, बट डायरेक्शन हमारी मर्जी है कि हम किसी भी लूप में जा सकते हैं, बट हम क्या है, जा रहे हैं सी डी ई एफ, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हो गई, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसके आगे साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, तो हम लिखेंगे आई टू आर टू, आई टू आर टू प्लस आई वन प्लस आई टू इंटू आर थ्री, आई वन प्लस आई टू इंटू आर थ्री प्लस ई टू इज इक्वल टू जीरो, सो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस ई टू शुड बी इक्वल टू जीरो, सो ई टू की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, इट शुड बी इक्वल टू, सॉरी यहाँ माइनस ई टू, सो द वैल्यू ऑफ ई टू शुड बी इक्वल टू आई टू आर टू प्लस आई वन प्लस आई टू इंटू आर थ्री, सो द वैल्यू ऑफ ई टू शुड बी इक्वल टू आई टू आर टू प्लस आई वन प्लस आई टू इंटू आर थ्री। ये है हमारा किरचॉफ्स सेकंड लॉ। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग ए क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस अलोंग ए क्लोज लूप शुड ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो, सो दिस इज किरचॉफ्स सेकंड लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ में हमने दो डिस्कस किए, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड द किरचॉफ्स सेकंड लॉ। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
becomes hot after some time. It becomes hot after some time. Then this effect is called heating effect of electric current. Then this effect is called heating effect of electric current. तो नेक्स्ट अब हम इसका प्रूव करेंगे। इसमें हमने कहा कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में से पास होता है और वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें से क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो इस इफेक्ट को हम बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम इसका प्रूव करते हैं। Where J is called Joule's constant.
into RT. 1 R से 1 R cancel. So H should be equal to 1 by J V square by R into T. So the value of H should be equal to 1 by J V square by R into T. तो यहाँ से ये हमारी दो इक्वेशंस आई, W is equal to I square RT and H is equal to 1 by J V square by R into T. So from equation A and B, यहाँ से हमें क्या प्रूव होता है? From equation A and B, तो from equation these two equations star and double star, we conclude that it is directly proportional to resistance and is directly proportional to the time for which it currents flow. तो यहाँ से क्या है? Directly proportional है resistance के, और यहाँ से it is directly proportional to the time for which the current flows. तो ये था हमारा that is ये हमारा topic है, that is heating effect of electric current. So next we will discuss about the electric power. So our last topic of this chapter is that is electric power. So electric power is defined as work done per unit time is called electric power. So it is defined as I square
वैल्यू ऑफ वी शुड बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर. सो नेक्स्ट अगर हम इस पे डिस्कस करें, अगर इसमें से आई की वैल्यू निकालें दैट शुड बी इक्वल टू वी बाय आर. तो यहां से अगर हम आई की वैल्यू पुट करें वी बाय आर होल स्क्वायर इनटू आर, सो द वैल्यू विल बिकम वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इनटू आर. सो इट शुड बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर. सो पावर इन वोल्ट, पावर इन वोल्ट 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट. सो ये हमारा फार्मूला बन गया P इज इक्वल टू V स्क्वायर R. सो हमें पता है हमारे पास फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू V into I, पावर इज इक्वल टू V into I. सो पावर को हम लिखते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इनटू 1 एम्पीयर. सो 1 वोल्ट शुड बी इक्वल टू 1 वोल्ट इनटू 1 एम्पीयर which is equal to 1 joule per second, which is equal to 1 joule per second. तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पावर का टॉपिक. सो यहां पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, दैट